एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है श्राद्ध की तैयारी हो रही है, और कल आए थे अम्मा बाबा और चाचू चाची, शाम को ही आए थे। तो कल मैंने ब्लॉग तो बनाया नहीं था, तो आज बना रही हूँ मैं ब्लॉग। निक्की भी आई है, निक्की देख रही है खड़े होके। अम्मा ये रही, चाय पानी नाश्ता हो रहा है अभी चाय का। बाबा ये रहे, और मम्मी किचन में है। माधव कहाँ गया? अंदर होगा शायद। निक्की ये रही, निक्की ये कौन है? हाय कर दो। हाय कर दो। आप क्यों मुझे छुपा रहे हो? चाचू ने अपनी बियर्ड शेव कर ली पूरी। चाचू अच्छे नहीं लग रहे अब। हाथ तो हटाओ। अरे हटाओ मत, दिखाओ। चाची ये रही, ऐसे ही दिखाओगे फिर चेहरा? धीरे धीरे अनकवर हो रहा है। और स्माइल। चाचू बिना दाढ़ी के अजीब लग रहा है। कोई नहीं आ जाएगी चाचू। निक्कू ये रहा, अपना कार्टून देख रहा है निक्कू लेटे। हेलो कर दो। हेलो, क्या हो गया निक्की? आप कैसे नहीं हाई कर रहे थे? हाई फाई कर दो। नहीं भाई, ला मुझे दे दो। ओ नहीं, मुझे दे दो। नहीं, हेलो कर दो। हेलो, कैसे देख रही है? कैसे देख रही है चुनी? चुनी बाबू क्या हो रहा है ये? हाँ, ये रही मम्मी राधे कृष्णा। तो ये रही अम्मा, क्या बन रहा है जम्मा? राधे राधे। आज बहुत कुछ बन रहा है। आलू पकौड़ी की सब्जी बन रही है। आलू पकौड़ी छोटी छोटी हलवाइयों। हाँ हाँ, अच्छा। आलू गोभी अरबी और दही बड़ा, पूड़ी और मूली का कस। चलो अच्छा है, टेस्टी दही बड़े खाने मिलेंगे। खीर बता दी, खीर भी है। खीर पहले बताई, मिठाई तो सबसे पहले। हाँ, तो अभी तैयारी हो रही है। एक पे खीर की तैयारी हो रही है, और एक पे कुकर चढ़ा हुआ है। तो मैं नहा लिया है, और निक्की भी नहा लिया है। देखो कितनी सुंदर लग रही है निक्की। अच्छी लग रही हो निक्की आप। अभी पहचान नहीं रही है क्या? आ नहीं रही है पास। हाय कर दो। हाय कर दो। निक्कू भी नहा लिया है, गुड बॉय बन गया निक्कू। तो जूस पी रहे हो? हाँ, मैंने भी पिया। आपने भी पिया? कैसा था? अच्छा था। खट्टा नहीं था। निक्की कैसा है? खट्टा नहीं है। अच्छा है। अंगुली दिखा रही है, एक नंबर। हाँ नाचती है। तो आज बाबा साहब का श्राद्ध है, तो श्राद्ध के दिन मनपसंद खाना बनता है उनका। तो आज इनका मनपसंद खाना बन रहा है, दही बल्ले उनको बहुत पसंद थे, तो इस वजह से आज बन रहे हैं, और हमें भी खाने को मिलेंगे। ऐसे दिनों पर ही खाने को मिलता है हमें भी, रोज़ कोई नहीं मिलता। या होली पे मिलेंगे, दिवाली, या फिर श्राद्ध। वैसे बनाने को तो मना नहीं है, ऐसे स्पेशल ओकेजन ही होता है। और वो सो देखो, वो कैसी बैठी है, देखो कैसी बैठी है। हाँ, क्या कर रही है निक्की? जय निक्की, जय करना। अरे 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 अरे, देखो ऐसे जय कर दो, हाथ जोड़ के। आप ऐसा भाई बाप है, अब मुड़ में से जय कर दो। जय, वेरी गुड। मंदिर जाएंगे? हाय। अच्छा ऐसे करती है? और अपने मंदिर में मैं पूजा करूंगी ना। हाँ, करेगी। जय 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 जय।
हमारे पाम छिए गए ताकि मेरे पाम छियो। अच्छा अपने पैर छुपा गई। तो भी तैयारी हो रही है बाबा साहब के लिए, टिनका निकालने की, मतलब उन्हें ऐसे खाना खिलाने के लिए। तो अभी सब जो घर के सब जो पुरुष होते हैं, पापा बाबा चाचू, तो वो सब तिनका निकालते हैं बाबा साहब के लिए श्राद्ध के। खाना खिलाने के लिए, भोजन करवाने के लिए। तो ये सारी थाली दिख रही है आपको, इतनी सारी थाली लग रही है, उसको देख देख के ना भूख लग रही है। तो ये रही खीर, ये जो आलू पकौड़ी की सब्जी थी, ये पूरी कचौड़ी, अरबी की सब्जी, आलू गोभी और ये दही पकौड़े, बड़े टेस्टी लग रहे हैं। अभी जल्दी से खाना खाएंगे हम। तो फाइनली इतने इंतज़ार के बाद, इतना टेस्टी टेस्टी खाना स्मेल करने के बाद हमारा खाना आ गया है, हीरा खाना। और अब खाते हैं, जल्दी से भूख भी लगी है बहुत, देख के रहा नहीं जा रहा, अब पानी आ रहा है, मैं बस खा लो जल्दी से। तो अभी मैंने खाना खा लिया है और खाना खा के नींद आ रही है, सोफे पे बैठे बैठे सबने खा लिया। और अभी चाचू चाची और अम्मा बाबा जाएंगे, पर मैंने वो दही भल्ले नहीं खाए, दही भल्ले खाऊंगी फिर सोऊंगी, वो खाना है मुझे। ये कैसे सो रही है, धूप लग रही है। तो अभी अम्मा बाबा और चाचू चाची चले गए, तो मैंने सोचा कि सोने से पहले कुछ खा लेते हैं, जो बाकी था हमारा दही बड़े, तो दही भल्ले या दही बड़े कुछ भी कह सकते हैं। तो ये रहा, बड़े टेस्टी लग रहे हैं, तो खाते हैं। सबने तो खा लिए, मैंने नहीं खाया, बस मुझे दिया ही नहीं किसी ने, मेरे को बस खाना दे दिया। झूठ मत बोले, मैंने पूछा था बाद में पूछा था, जब मैं खाने बैठी, जब मैंने पूछा था, हाँ तब पूछा था, तब खाना खा लिया, पेट भर गया था, तब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो पूछा था ना, लाडो खाना खा ले, बाद खाने के साथ नहीं दिया मुझे आपने। अरे तो मैंने तो लगा के रखी थी प्लेट बाबा, ठीक है मैं ले आई, मैं ले आई। अब मैं पूछ रही हूँ, खाओगी नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं खा के रह रही हूँ। माधव तुमने चीज ले आया, को खिला दे। हाँ। बड़ी टेस्टी, अगर आप मतलब अगर आपके मुंह में डाल सकती मैं कैमरे से, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आपको खिला देती जरा मैं, बहुत टेस्टी है। हाँ यू फैल जाता, आप भी देख लो, किसने तो नजर लगाई है, किसने नजर लगाई है बता दो जल्दी। अभी तो किसी ने नहीं लगाई है, दिखने में इतनी टेस्टी लग रहे है भाई। तो इसमें चटनी है, जो सॉल्ट होती है, चटनी है, दही है, जीरा है, मसाले वसाले, मतलब पूरे मसाले नहीं, नमक मिर्च जो होती है, काली मिर्च, काली मिर्च नहीं, क्या होता है, काला नमक, काला जीरा, माधव पीछे से कह रहा है स्वाद अनुसार। तो ये सारे सब्सक्राइबर्स को नमक शमक डाल देते हैं। तो मैं खाती हूँ, ठीक है, मैं बहुत देर से इंतज़ार था इसका खाने का, पर मैंने खाया नहीं था क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सोने से पहले एक बार तो मैं खा ही लूँगी। खीर खाई आपने? खीर खा ली मैंने, और फिर से शाम को एक बार और खाऊंगी मैं, खीर भी अच्छी है, खीर भी टेस्टी है। तो अभी बज रहे हैं 8:30, मतलब रात हो चुकी है, शाम को कुछ करा ही नहीं था, लेटे हुए थे, और आंटी भी आ गई थी एक, तो उसमें बातें में हो गया सब, और फिर ऊपर गए थे थोड़ी बहुत, पौधों में पानी नहीं डाला क्योंकि बारिश सी आ गई थी थोड़ी। और अभी हो रही है रात, और खाना भी ले आए हैं हम, तो खाना वही है जो सुबह था, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था, सबके लिए बनाया था ना प्रसाद के रूप में, सबको अम्मा भी ले गई हैं चाचू चाची के लिए, और हम भी खा रहे हैं। तो और हाँ, मेरे दही भल्ले भी है, मैं दही भल्ले खाऊंगी, मम्मी देख रही। तो इजी आसमान क्या
और पापा का फास्ट भी है ट्यूसडे का, तो पापा ने आज छुट्टी नहीं थी, तो खिला के जो श्राद्ध में पूजा के लिए करते हैं बाबा साहब को खिला के फिर वो ऑफिस चले गए थे, और अभी आया ऑफिस से और भोग लगा रहे हैं हनुमान जी का, क्योंकि आज मंडे नहीं ट्यूसडे, ट्यूसडे को व्रत रखते हैं ना, तो इस वजह से अभी खाएंगे पापा। और इसी साथ मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और लाइक कर दिया करो प्लीज़ प्लीज़। और अगर आप लाइक करोगे ना, मतलब अगर आप कमेंट्स भी करना चाहो कमेंट्स करो, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो अगर चैनल को तो लाइक भी कर दिया करो, मतलब आप लाइक करते हो ना तो ठीक लगता है कि मुझे लगता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है कि मैं चलो ब्लॉग बनाऊँ। तो अगर मेरे को लाइक्स आएंगे नहीं, कमेंट्स नहीं आएंगे, तो मेरे को लगेगा कि लोग बोर हो रहे हैं मेरे ब्लॉग से, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है, मतलब ऐसा है नहीं, वैसे ठीक ठाक बना लेती हूँ मैं तो ठीक है। और उसके साथ पढ़ाई भी है, ब्लॉगिंग के साथ पढ़ाई पे भी फोकस देना है, और कंटिन्यूसली मतलब लगातार तो बना नहीं पाऊँगी क्योंकि पढ़ाई पहले है, ठीक है। तो मैं ट्राई करती हूँ मेरा बेस्ट, जब भी टाइम मिलता है मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, और जितना हो पाएगा मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, आपको एंटरटेन करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, राधे कृष्णा, बाय।